हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद फाइनली आज मैं पल्टन बाजार मार्केट का विंटर कलेक्शन लेके आ गई हूँ, और इसका आउट्रो और इंट्रो दोनों करना मैं भूल चुकी हूँ। तो फिर मैंने यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही तहसील बाजार में कुछ इस टाइप का ये लहंगा का कलेक्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वेडिंग सीजन इज़ ऑन। तो काफ़ी प्रिटी वेडिंग एप्रोप्रिएट क्लोथ्स आ रखे थे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज, ये मैं तहसील से स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोग बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तहसील अलग है और पल्टन बाज़ार अलग है। नहीं, तहसील स्टार्टिंग है और पल्टन बाज़ार एकदम एंड में जाके आता है, तो सेम ही रहता है ये। सो सबसे पहले हम चले गए थे नेशनल जूस कॉर्नर के साइड वाली ही शॉप में, जहाँ पे इन्होंने थरीज लगा रखी थी फॉर ₹200। एंड गाइस, थरीज ज़रूर चेक करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे एंड रीजनेबल प्राइस में। ये वाली थरीज उन्होंने लगा रखी थी ₹200 की, और काफ़ी अच्छे अच्छे थिक एंड वॉर्म स्वेटर्स यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड अंदर शॉप में काफ़ी अच्छे कोरियन टाइप ऑफ कार्डिगन्स भी आ रखे थे, स्पेशली वो जो ब्लैक वाला आप लोगों ने देखा होगा जिसमें चेरी बना हुआ था, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया, और उसको वो कोट कर रहे थे ₹300। आफ्टर बार्गेन वो 250 तक का दे देंगे, और ये थरीस का तो फिक्स प्राइस रहता है, 200 से कम वो नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ये इस तरीके से रफल्स वाले स्वेटर थे, ऐसा टाइप का मैंने न्यूमी में देखा है। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो, कभी कभी बहुत ही अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। ये ब्लैक कलर वाला मेरे को भी काफ़ी पसंद आया, तो मैं ऐसे ही ट्राई ऑन करके देख रही थी। देन उसके बाद आपको ये वॉर्म प्लाजोज मिल जाएंगे, जिसको वो कोट कर रहे थे अगेन ₹300 ओनली, बट बार्गेन करने के बाद वो आपको 250 तक दे देंगे। और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इनकी शॉप की, तो आप चेकआउट कर सकते हो इनके शॉप को, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। काफ़ी अच्छे अच्छे इस तरीके से आपको हाफ में लॉन्ग कोट वगैरह श्रग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और ये है मेरी मामी, और मेरी मामी भी ये वाला स्वेटर ट्राई कर रही थी, उनको भी काफ़ी पसंद आया था, क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, एंड जस्ट फॉर ₹200 का था ये। देन उसके बाद उन्होंने ये ग्रे कलर का कोरिनिश वाला कार्डिगन टाइप ऑफ स्वेटर, कार्डिगन टाइप ऑफ ट्राई किया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट उनको कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसलिए हम आगे चल दिए। उसके बाद हमें ये मिली पैंट की थरी, जो कि लगी हुई थी फॉर ₹150 ओनली। एंड उसके बाद ये हम आगे आए, तो हमको ये स्वेटर्स की थरी भी दिखी, जो कि था जस्ट फॉर ₹150 ओनली। सो गाइज, आप एकदम से मार्केट एंटर करते ही बाय करने मत लग जाना, बिकॉज आगे आपको और भी चीप प्राइस में मिल सकता है। और स्पेशली ये रेड वाला स्वेटर कार्डिगन मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि क्रिसमस के काफ़ी अप्रोप्रिएट है और बिल्कुल न्यू पीस है, 150 में तो एकदम स्टील डील था ये वाला। उसके बाद सेम ही थरी में हमको ₹150 का ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा रेड कलर का कार्डिगन दिख गया था, जो कि काफ़ी प्रिटी कोरियनिश वाइब दे रहा था, तो काफ़ी पसंद आया। तो हम उसके बाद अंदर शॉप में भी चले गए, और शॉप का कलेक्शन आप देख सकते हैं। एंड गाइस, जो नेशनल जूस कॉर्नर है उससे आपको राइट हैंड की तरफ टर्न लेना है, तो राइट हैंड की तरफ आप जैसे ही टर्न करोगे आपको ये वाली शॉप मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस मैक्रोनी की शॉप भी है, तो आप वहाँ से इस शॉप का पता लगा सकते हो। देन उसके बाद सेम 150 वाली थरी में मेरे को ये क्रिस क्रॉस वाले स्वेटर दिखे थे लेवेंडर कलर का, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आया, और ये लॉन्ग ट्रेंच कोट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसका प्राइस आंटी कोट कर रही थी ₹600 शॉप के अंदर था, बट बार्गेन करने के बाद वो ईजिली 300 या फिर 400 तक का दे देंगे। देन हम आगे चले गए नेक्स्ट थरीज में चेकआउट करने के लिए, और ज़्यादातर मैंने थरीज ही एक्सप्लोर करी है, और आप लोग को थरीज का ही कलेक्शन दिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइजेस में काफ़ी अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। और ये वाले थरी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, ये उस शॉप के जस्ट बगल में ही था, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ का, काफ़ी थिक चंकी स्वेटर्स थे, और क्वालिटी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना थिक चंकी स्वेटर यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, और ये सी ग्रीन वाला मेरे को काफ़ी पसंद आया था, बिल्कुल क्रॉप स्टाइल में है और एकदम थिक चंकी निटेड है, तो काफ़ी अच्छा ये वाला। और ये वाला भी ₹150 का ही था। उसके बाद ये ग्रेइश कलर का मेरी मामी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि काफ़ी थिक भी था और विंटर्स में काफ़ी काम आता है इस तरीके का थिक कलर का स्वेटर। और अंदर ही वहाँ पर आप मिरर में लगा के देख सकते हो, बट इसके स्लीव्स में हमको वो थोड़े से रुए टाइप के मिले थे, तो हमने वापस रख दिया था। तो इसलिए आप जब भी थरीज से लोगे तो अच्छे से बिल्कुल चेक करके लेना, बिकॉज इसमें कुछ डिफेक्टिव पीसेस भी मिल जाते हैं, तो कीप योर आइज़ ओपन, इतना ही बोलूँगी मैं। बाकी तो काफ़ी अच्छा रहता है थरीज से लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं। देन शॉप में अंदर हम चेकआउट कर रहे थे, तो शॉप में तो वो वही ₹300-350 का कोट कर रहे थे। देन उसके बाद मेरे को ये वाला कार्डिगन जो ब्लैक कलर का
पिंक बॉर्डर में काफ़ी पसंद आया, काफ़ी कुल्लू मनाली सॉर्ट ऑफ वाइब दे रहा था वो मेरे को, पता नहीं क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को भी दे रहा है क्या। देन उसके बाद ये कार्डिगन हमने देखा था, ये पूरा ग्लिटर लगा हुआ है इसमें, कैमरा जस्टिस नहीं दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था बट उन्होंने कम ही नहीं किया। उसके बाद मैंने ये वर्सिटी जैकेट भी इनसे निकलवाई थी, इसका प्राइस वो कोट कर रहे थे ₹350, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच थी तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट शॉप की तरफ बढ़ गए, उन्होंने भी शॉप के आगे थरी लगा रखी थी और वहाँ का कलेक्शन चेकआउट करने लग गए और आप देख सकते हैं कैसा कलेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अगेन हमको रेड कलर में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा स्वेटर मिल गया, पता नहीं क्यों आज रेड कलर का कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था, और ये ब्राउन कलर की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। देन उसके बाद हम आ गए थे बगल वाले शॉप में, और ये जो सारे ही शॉप मैंने बताए हैं आपको लाइन से आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पीसेस यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद ये ब्लैक कलर का मेरे को थिक चंकी स्वेटर दिखा जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आया, कॉम्बिनेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा था और एकदम फाइन क्वालिटी का ये था। इसको वो कोट कर रहे थे ₹350 और उससे वो कम करने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे क्योंकि उस स्वेटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, तो ₹350 में भी वर्थ इट है वो। फिर हम आगे की तरफ चल दिए, उसके बाद हमने नेक्स्ट थरी चेकआउट करी और ये वाली शॉप का नेम मेरे को याद है, ये मौसा मौसी की शॉप है और ये बाहर आपको जो दी कैथलॉन वाली जैकेट्स होती हैं ये इस तरीके से वो मिल रही थी, तो हमको ये कुछ खास पसंद नहीं आई, अच्छी क्वालिटी में नहीं थी तो हम आगे बढ़ दिए अंदर। बट अंदर शॉप का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, काफ़ी यूनिक यूनिक स्टफ़ थे यहाँ पर और सारी ही वेराइटी आप लोग को मिल जाएगी, लॉन्ग जैकेट्स, लॉन्ग कोट, स्वेटर्स वगैरह की कुछ इस तरीके से लॉन्ग लॉन्ग जैकेट्स भी आप लोग को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मेरे को काफ़ी पसंद आया। और ये ग्रीन कलर का जिसमें ट्यूज़डे लिखा हुआ था ये वाला स्वेटर मेरे को काफ़ी पसंद आया था बिकॉज आजकल ग्रीन कलर काफ़ी इन है और मेरे को भी काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद मेरे को ये क्रॉप जैकेट्स देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी, काफ़ी फाइन क्वालिटी की थी, दो कलर में अवेलेबल थी ये, ब्लैक एंड रेड, दोनों ही काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने रेड वाली पिकअप करी, कुछ इस तरीके की लग रही थी और मैंने सोचा कि मैं ब्लैक वाली वेयर करती हूँ तो मैं ब्लैक वाली मैंने डाल के देखा, पीछे से कुछ इस तरीके से बैलून टाइप ऑफ इसका इफेक्ट आ रहा था और आगे से कुछ इस तरीके से थी, क्रॉप जैकेट थी, इसको प्रॉपरली अच्छे से स्टाइल करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद ये वाइट कलर का स्वेटर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरे को, काफ़ी थिक चंकी था और मेरी मामी बोल भी रही थी इसमें तुम खरगोश लग रही हो, काफ़ी अच्छा लगा हमको ये। बट उन्होंने प्राइस बिल्कुल भी कम ही नहीं किया इसका, वो आई थिंक 300 कोट कर रहे थे और वो कम नहीं कर रहे थे इसका प्राइस, तो फिर कुछ ऐसा लग रहा था, पसंद तो हमको बहुत आया था लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं कम किया इस बार, वैसे तो हमेशा करते हैं। तो हम आगे थरी की तरफ चल दिए और आगे थरी में हमको ये कुछ इस तरीके से कलेक्शन देखने को मिली, और ये जो पर्पल डार्क पर्पल वाला टर्टल नेक है वो मेरी मामी को काफ़ी पसंद आया था तो हमने साइड में हाथ में ही पकड़ लिया था। और अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप प्लीज़ पहले ही उसको अलग साइड में अपने हैंड में पकड़ लेना, बिकॉज़ अगर आप दोबारा से हैंगर में प्लेस कर दोगे तो वो आपकी आंखों के सामने से कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा और दिल में एक दर्द छोड़ जाएगा, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही उसको अपने हैंड में अलग से रख लो। उसके बाद हम आगे का कलेक्शन देखने लगे, देन ये पाउडर ब्लू कलर का स्वेटर भी हमको काफ़ी पसंद आया, काफ़ी थिक था, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और ये वो सारे कोट कर रहे थे ₹200 की, 200 के हिसाब से काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी थी इसकी तो काफ़ी पसंद आया हमको, और ये ब्लैक कलर वाला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम ये वाली थरीज में चले गए थे, उसी के बगल में लगी हुई थी और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, इसका भी वो ₹200 कोट कर रहे थे। तो गाइज़ मैं अगेन आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थरीज वगैरह ज़रूर चेकआउट करना, मेजॉरिटी ऑफ स्वेटर्स मैं तो यहीं से बाय करती हूँ और काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी मिल जाती है। उसके बाद लाइन से हम चले गए थे दूसरी शॉप में और यहाँ पर एंटर करते ही कुछ इस तरीके से ये श्रग टाइप ऑफ मेरे को दिख गया था, यहाँ पर लॉन्ग कोट्स वगैरह भी अवेलेबल थे, कलेक्शन ठीक ठाक थी। देन आगे हमको ये नाइट सूट का कलेक्शन देखने को मिला जो कि वो ₹500 का। देन उसके बाद आगे चल के हमको दिखी ये सूट की शॉप जहाँ पर बहुत अच्छे वुलन सूट्स के कलेक्शन देखने के लिए मिले जस्ट फॉर ₹600 में, 600 में आपको पूरा 3-पीस सेट मिल रहा था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे यहाँ के, काफ़ी यूनिक यूनिक थे, मेरे को काफ़ी पसंद आया, कश्मीरी कढ़ाई में कश्मीरी प्रिंट में भी था। तो अगर आप वुलन सूट देख रहे हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद अगेन हम लोग एक और थरी देखने लगे बट यहाँ का कलेक्शन मेरे को पसंद नहीं आया इसलिए हम आगे चल दिए शॉप की तरफ अंदर, और शॉप में काफ़ी बेसिक कलेक्शन था,
मतलब वही स्वेटर्स वगैरह का कलेक्शन था। कार्डिगन्स भी मेरे को काफ़ी कम देखने के लिए मिले, काफ़ी बेसिक डिसेंट सा कलेक्शन था, मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। आप भी देख सकते हैं बेसिक कलेक्शन ही है, ज़्यादातर बेसिक स्वेटर्स ही आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, इसलिए हम आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद अगेन हमको एक थरी दिखी और यहाँ का कलेक्शन भी मेरे को काफ़ी पसंद आया, मतलब काफ़ी थिक चंकी बीडेड वाले भी स्वेटर्स इनफैक्ट आपको मिल जाएंगे। 200 रुपीज़ का वो कोट कर रहे थे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये आगे नेक्स्ट उसी सेम शॉप के आगे बगल वाली थरी में मूव ऑन कर गए और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था 200 रुपीज़ का अगेन, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। कार्डिगन्स वगैरह भी आप लोग को मिल जाएंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। और ये ब्लू कलर का काफ़ी पसंद आया, इसमें ये नेक एरिया में पर्ल्स वाली डिटेलिंग हो रखी थी जो कि काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उसके बाद हमको ये टेडी वाला पिंक कलर का स्वेटर मिला था और मेरे को तो ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। टेडी वाले आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। उसके बाद हम अंदर शॉप की तरफ बढ़ गए, देन हमने आगे देखा यहाँ पर ये लॉन्ग कोट लगे हुए थे जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे थे और क्वालिटी एकदम बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, बट वो 700 रुपीज़ कोट कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि 550-600 तक आपको पड़ जाएगा। तो हम आगे चल दिए नेक्स्ट शॉप में और यहाँ के स्वेटर्स के कलेक्शन मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, स्पेशली यहाँ पर लॉन्ग कोट्स वगैरह भी थे, सब कुछ सारी वेराइटी थी यहाँ पर, तो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड उसके बाद हम देखने लग गए हैं पहाड़ी मंगलसूत्र। एंड गाइज आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, मैं पूरा मार्केट तो कवर नहीं कर पाई। इफ़ यू वॉन्ट अ पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो। आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।